श्री भक्तमाल में श्री श्रीधर स्वामी जी तीनी कांड एकत्वसानी को अज्ञ बखानत करमठ ज्ञानी ची अर्थ को अनर्थ बानत परमहंस संहिता विदित टीका विस्तारयो शट शास्त्राणी अभिरुद्ध वेद समता ही विचार्य परम आनंद ते माधव सुकर सुधार दियो श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय किया श्रीधर स्वामी ने भागवत में परम धर्म का निर्णय किया है श्री भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से ना जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों अर्थात कर्म ज्ञान उपासना कांडों को एक में मिश्रित कर, करके भागवत की व्याख्या की कर्मकांडी और शुक, शुष्क ज्ञानी लोग खींचा तानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत अर्थात अनाथ करते थे जिज्ञासु वक्त जन शंकित हो जाते थे वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्री धराचार्य जी ने की उसमें षट शास्त्र एवं षट दर्शनों के अनुकूल तथा वेद उपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया श्रीधर स्वामी के गुरुदेव श्री परम आनंद सरस्वती पाद जी की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने कृत टीका को अपने हस्त कमल से सुधार दिया हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध किया यहाँ श्री श्रीधर स्वामी जी के विषय में कुछ विवरण कर रहे हैं वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीरी यसे चक्षसी यस्ते हृदय संवित तम ता, नृसिहम भजे प्रामाणिक सामग्री तो कोई है नहीं जो किवतियाँ हैं उन्हीं के आधार पर कुछ कहना है महापुरुषों के जीवन के सत्य को ऐसी किवंधतियाँ ही कुछ प्रकट कर पाती हैं ईसा की दसवीं या ग्यारहवीं सदी की बात होगी दक्षिण भारत के किसी नगर में वहाँ के राजा और मंत्री में मार्ग चलते समय भगवान जी की कृपा तथा तो प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी मंत्री कह रही थी भगवान जी की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है कुपात्र भी सत्पात्र हो जाता है मूर्ख भी विद्वान हो जाता है संयोग के बाद या दया में भगवान जी की इच्छा राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है राजा ने मंत्री से पूछा क्या यह बालक के बुद्धिमान हो सकता है मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है बालक बुलाया गया पता लगा कि वह ब्राह्मण का बालक है उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़ करके परलोक चले गए थे परीक्षा के लिए नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिला करके उसे आराधना में लगा दिया गया बालक भी प्रकार से भगवान जी के भजन में लग गया उस अनाथ बालक की भक्ति देख करके अनाथों के वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गए नरसिंह रूप में दर्शन दे करके भगवान जी ने बालक को वरदान दिया तुम्हें वेद वेदांग दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी बालक और कोई नहीं वे हमारे चरित्र नायक श्रीधर स्वामी ही थे अब इस बालक की विद्यता का क्या पूछना भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता था बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे राजा इन्हें आदत देने लगे धन का अभाव नहीं था विवाह हुआ और पत्नी आई परंतु भगवान जी के भक्त विषय में उलझा नहीं करते और ना दया में भगवान ही भक्तों को संसार के विषय में आसक्त रहने देते हैं गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में लगता नहीं था सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए इसके लिए इनके प्राण तड़पते रहते थे इनकी स्त्री गर्भवती हुई प्रथम संतान को जन्म देकर के मैं परलोक चली गई स्त्री की, की मृत्यु से इन्हें दुख नहीं हुआ इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना परंतु अब नवजात बालक के पालन पोषण में ही व्यस्त रहना इन्हें अखरने लगा ये विचार करने लगे न मोवाशी अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ जीव अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है विशंभर भगवान ही सबका पालन तथा रक्षण करते हैं ये शिशु को भगवान की दया पर छोड़ करके भजन का निश्चय करके घर छोड़ने को उद्यत हुए पर बच्चे के मोह ने एक बार रोका लीला में प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया अंडा पक चुका था उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने लगा इनको ऐसा लगा कि इस बच्चे को भूख लगी है यदि अभी कुछ ना मिला तो ये मर जाएगा उसी समय छोटा कीड़ा उड़ करके फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया भगवान जी की यह लीला देख करके श्रीधर स्वामी के, के हृदय में बल आ गया ये वहां से काशी चले आए। विश्वनाथपुरी में आकर के ये भगवान जी के भजन में तल्लीन होंगे श्री श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव जी के बड़े ही भक्ते काशीवास करते समय एक विद्यार्थी आपकी सेवा में रहता रहा करता था संयोग से, से उसका भी नाम माधव ही था एक बार की बात है आप बीमार पड़ गए उससे माधव आपकी सेवा में था उसी बीच माधव के पिताजी भी बीमार पड़ गए और उसके घर से बुलाने के लिए आदमी आ गया पर दुख कातर श्री स्वामी जी ने स्वयं अस्वस्थ रहते हुए भी माधव को उसके पिता की सेवा में आग्रहपूर्वक भेज दिया माधव गुरु की आज्ञा मानकर चला गया इधर स्वामी जी ज्वर की धिकता से चित अवस्था हो गई और माधव माधव कहकर के करके उसे बुलात ने बुलाने लगे भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर के स्थिति में भला कैसे अंसुनी कर सकते थे भगवान श्री बिंदु माधव ने विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आगे सेवा बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की परिचर्या करते उनके लिए भोजन बनाते तथा गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन करते इस प्रकार कई दिन बीत गए श्री स्वामी जी स्वस्थ हो गए उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए थे अतः वह गुरु जी के पास आया। उसे आया देख भगवान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा जल रहा है उस पर खिचड़ी बन रही है पर कोई बनाने वाला नहीं दिखाई दिया श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे बालक माधव ने गुरु जी को अपने पिता के संबंध स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा गुरुदेव मेरी अनुपस्थिति में आश्रम की व्यवस्था कौन कर रहा था आपकी सेवा में कौन था और ये खिचड़ी कौन पका रहा है श्री स्वामी जी उसके प्रश्नों को सुनकर के आश्चर्यचकित तो गए और बोले बेटा माधव ही तो मेरे पास था ही तो आश्रम की व्यवस्था भी कर रहा था और तूने ही मेरी सेवा भी की और अभी अभी तूने ही तो चूला जला करके खिचड़ी चढ़ाई है फिर मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है माधव ने कहा गुरु जी मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिता की सेवा में गया हुआ था फिर मैंने कैसे आपकी सेवा की अब श्री श्री स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट होगी कि मेरे माधव माधव पुकारने पर आकर के मेरी सेवा करने वाले स्वयं भक्त वाल भगवान बिंदु माधव जी ही थे कुछ काल तक काशीवास करने के बाद आप श्रीधाम वृंदावन चले आए इधर सन्यासी की बात सुनकर के आपके संघ के बहुत से पंडित विद्वान विद्यार्थी तथा तो आपके गांव के लोग आपसे मिलने आए बातचीत करते करते दोपहर का समय हो गया श्री स्वामी जी इतने सारे लोगों के भोजन की चिंता करते हुए मध्यकालीन स्नान के लिए श्री जमुना जी की ओर चले इधर श्री भगवान श्याम सुंदर अपने धाम में अपने भक्त को चिंतित देख ग्वाल बालक का रूप धारण करके तथा तो बहुत से ग्वाल बालों को संग लेकर के श्री स्वामी जी की कुटिया पर पथरी प्रत्येक के सिर पर एक एक गठरी थी और सब में विभिन्न भी प्रकार की खाद्य सामग्री थी आते ही उन्होंने लोगों से पूछा श्री स्वामी जी ने कहाँ हैं लोगों के ये बताने पर कि श्री जमुना जी स्नान करने गए हैं उन्हें कहा कि आए तो हमारा दंडवत कह देना और कहिएगा कि सारा सामान साधु ब्राह्मणों की सेवा के लिए आया है खूब सेवा करें चिंता ही करना था तो घर क्यों छोड़ा श्री स्वामी जी के आने पर लोगों ने सारी बात बताई और सीधा सामग्री दिखाई श्री स्वामी जी समझ गए कि ग्वाल के रूप में आने वाले और कोई नहीं बल्कि भक्तों का योग क्षेम फहन करने वाले उनके श्याम सुंदर ही थे गीता भागवत विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी की टीकाएं मिलती हैं इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं कि जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं कुछ लोगों ने इनकी भावना इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की उस समय इन्होंने वेणी माधव जी के मंदिर में भगवान जी के पास ग्रंथ रख दिया कहते कि स्वयं भगवान जी ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख वह ग्रंथ उठा करके हृदय से लगा लिया भगवान जी के ऐसे लाडले भक्ति पृथ्वी को पवित्र करते हैं इस घटना का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रिया दास जी ने अपने एक कविता में इस प्रकार किया है पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जिते भागवत टीका करी आपस में रिजिये भय जो विचार काशी पुरी अविनाशी मांझ सभा अनुसार जोई सोई लिखी दीजिए ताको तो परमान भगवान बिंदु माधव जी है साधु यही बात धरी मंदिर में लीजिए धरे सब जाए प्रभु सुन कर बनाए दियो कियो सर्व ऊपर ले चलियो मत धीजी श्री भक्तमान में श्री बिल्व मंगल जी कर सुख सुखभित जुक्ति अनुचिष्ट उचारी रसिक जनन जीवन जो हृदय हारावली धारी हरी पकरायो हाथ बहुरी हाँ लियो छुड़ाई कहा कर छूटे जो ही अत चिंता मनी संग पाए के ब्रज बधु केली बरनी अनूप कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे विश्व का मंगल ही बिल्व मंगल के रूप में प्रकट हुआ आपने श्री कृष्ण कर नामरत नामक सुंदर काव्य का निर्माण किया जिसकी उक्तियाँ श्रद्धा नहीं हैं, दूसरे कवियों की झूठी नहीं हैं। प्रेम भक्ति से प्रकट सहज एक दिव्य उद्गार है श्री कृष्ण कर रसिक भक्तों का जीवन प्राण उन्होंने इसे कई लड़ियों के हार के समान अपने हृदय में धारण किया है एक बार भगवान श्याम सुंदर ने श्री वीर मंगल जी के अंदा होने पर वृंदावन का मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़ाया और फिर उसे छुड़ा लिया उस समय आपने उनसे कहा, हाथ छुड़ाकर चले जाने से क्या हुआ मैं तुम्हें वीर पुरुष तब जब मेरे हृदय के बंधन से छूट करके चले जाओ आपने चिंतामणि का संग पाकर के ब्रज गोपियों के साथ ही श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है उसके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ अतः आप मंगल की मूर्ति ही थे। भक्त बिल मंगल जी के विषय विशे में विशेष विवरण इस प्रकार से हैं है भक्त बिल मंगल का प्रारंभिक जीवन दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीना नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे उन्हीं के पुत्र का नाम था बिल्लो मंगल पिता ने यथाशा पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी बिल्लो मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था परंतु तो देवयोग से पिता माता के दे अवसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे संग दोष से बिल मंगल के अंतकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया एक दिन गांव में कहा चिंतामणि नाम की वैश्या का नाच था शौकीनों के दल के दल नाच में जा रही थी बिलो मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा वैश्या को देखते ही बिलो मंगल का मन चंचल होता था विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया बिलो मंगल डूबा और उसने हाड मास भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस निछावर कर दिया तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सब को उत्सर्ग कर दिया ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सब समय बिल मंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंता मन ही रहेगी बिल मंगल के पिता का श्राद्ध है इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता श्राद्ध की तैयारी हो रही है विद्वान कुल पुरोहित बिल मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त करके जैसे जैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवा करके मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ संध्या हो चुकी थी लोगों ने समझाया कि भाई आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है वैश्य के घर नहीं जाना चाहिए परंतु तो कौन सुनता था उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था बेल मंगल दौड़ करके नदी के किनारे पहुंचा भगवान जी की माया पा रहे अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी आकाश में अंधकार छा गया बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जी मात्र भयभीत होंगे रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांध करके वृक्षों का आश्रय दिया हाँ तो बिलमंगल इन सब का कोई असर नहीं पड़ा उसने केवटों से उस पार चलने को कहा बारंबार विनती की उतराई का भी गहरा लालच दिया परंतु मृत्यु का सामना करने की कौन तैयार होता सब ने इनकार कर दिया जो जो विलंब होता था क्यों ही त्यों बिल मंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी अंत में अधीर होता उठा और कुछ भी आगा पीछे न सोच करके तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा भयानक दुस्साहस का कर्म था परंतु काम तुरा नाम ना भयम ना लज्जा संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था विल मंगल तो बेहोश था उसने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया उसे कपड़ों की सुध नहीं थी बिल्कुल दिगम्बर हो गया था चारों ओर अंधकार छाया हुआ था बनाले पशु भयानक शब्द कर रहे थे कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं थी परंतु बिलमंगल मंगल उनमत की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था श्राद्ध के कारण आज बिलमंगल के आने की बात नहीं थी अतः चिंता घर के सब दरवाजे को बंद करके निश्चिंत होकर के सो चुकी थी बिलमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था बिल मंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार बांध करके अंदर चला गया चिंता को नहीं तो उसे देखते ही स्तंभित सी जाएगी सारा शीर पानी से फीक गया भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा तुम इस भ्यामनी नदी में नदी पार करके बंद घर में कैसे आई बिलमंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई रिश्ती थम चुकी थी चिंता दीपक हाथ में लेकर के बाहर आई देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा मर्दा पड़ा है बिल मंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने करके कहा तू ब्राह्मण है अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था परंतु एक हार्ड मास की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर के इस ड्रावणी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहां दौड़ आया तो आज जिसे परम सुंदर समझ करके इस तरह पागल हो रहा है उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है धिककार है तेरी इस नीच वृत्ति को अरे यदि तू इस प्रकार उसे मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता यदि उससे मिलने के लिए छटपटा कर दौड़ता तो अब तक उसको पा करके तू अवश्य के तात हो चुका होता वैश्या की वाणी ने बड़ा काम किया बेलमंगल चुप होकर के सोचने लगा बाल्यकाल की समृति उसके मन में जाग उठी पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उनकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर के नाचने लगी बिलमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से आशुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी बिल मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा माता तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि कर दिया। माने ही चिंतामणि को गुरु मान करके प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारों चिंता में निमग्न होकर के उन्मत की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़ा बिल मंगल के जीवन नाटक को यमनिका का परिवर्तन हो गया इस घटना का वर्णन श्री प्रिया दास ने इस प्रकार किया है कृष्ण वेना तीर एक द्विजमति धीर रहे हेवियो ग्यो अधीर संग चिंतामणि पाई के तजी लोक लाज ही वाही को जू राज बिहो निशी दिन काज बही रहे घर जाइ के पिता को सराध नेकु रो मन साधी दिन शेष में आशवेश चलो अति अकुलाई के नदी चढ़ी रही भारी न आवारी नाव भाव भर हियो जियो जात ना धि जाई के करत विचार वारी धार न रहे प्राण ताते भरी धार मित्र सनमुख जाइये परे कूदी नीर कछु सुधी न शरीर की है वही एक पीर कब दर्शन पाइये न पार तन हारी भेयो बूढ़ी भेको मृतक निहारी मानी नाव मन भाइये लगे किनारे जाय चले पग धाय जाये आए पट लागे निशी आदि सो बिहाइए अजगर धूमी झूमी भूमि को परम कियो लियोई सहारो छत पर जाय के ऊपर की वार लगे पर कुदी आंगन में गिरयो यो गरत रागी जागी सोर पाए के दीपक भराई जो पे देखे बिल मंगल है बड़ोई अमंगल तो कियो कहा आय के जल अनय सुखे पट पर ही राय हाय कैसे करी आयो जल पार द्वार द्वारे नौ का पटवाई द्वार लाव लटकाई देखिम मेरे मन भाई मैं तो तबे लई जाने के चलो देखो अहो ये कहा थो पर लाभ करे देखियो विस्थर महा खिजी के जैसो मन मेरे हाड चाम सो लगायो तैसो शाम सो लगाओ तो पे जानिए सुनाई के मैं तो भयो भोर बंझो जुगल किशोर अब तेरी तू तो ही जाने चाहो करो मन मानिके ख प्रसंग में सात्विक परिवर्तन दोनों ने उस पूरी रात भगवान जी का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की ओर बिल मंगल ने संत श्री जी महाराज के आश्रम की राली ली गुरुदेव से दीक्षा लेकर के एक वर्ष तक आश्रम में ही रह करके के भजन पूजन किया फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा श्याम सुंदर की प्रेम में मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल मंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी पूर्व संस्कार अभी श्रद्धा नहीं मिटे थे युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खिंचा बिल मंगल को फिर मोह हुआ भगवान जी को भूल करके वह पुनः पतंग बन करके विषय अग्नि को और दौड़ा बिलो मंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया युवती अपने घर के अंदर चली गई बिलो मंगल उदास होकर के घर के दरवाजे पर बैठ गया घर के मालिक ने बाहर आकर के देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है उसने कारण पूछा बिल मंगल ने कपट छोड़ करके सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भर कर देख लेना चाहता हूं तुम तो उसे यहां बुलवा दो युवती उसी ग्रस्त की धर्म पत्नी थी ग्रस्त ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है अतिथि वत्सल ग्रस्त अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया इधर बिल मंगल के मन समुद्र में तरह तरह के तरंगों का तूफान उठने लगा जो एक बार अनन्य चित्त से उस अशरण शरण की शरण में चला जाता है उसके योग क्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते आज बिल मंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी वसल भगवान जी ने अज्ञान अंध बिलमंगल मंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ हृदय शोक से भर गया और ना मालूम क्या सोच करके उसने पास के बेल के पेड़ में पेड़ से दो कांटे तोड़ लिए इतने में ही ग्रस्त की धर्म पत्नी वहाँ आ पहुँची बिलु मंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर के कहने लगा कि अभा की आंखें यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता इतना कहकर के बिल मंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक दिया आंखों से रुद्र की अजस्त्र धारा बहने लगी बिल मंगल हंसता और नाचता हुआ तुमल हरी ध्वनि से आकाश को गुजाने लगा ग्रस्त को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ परंतु वे बेचारे निरुपायी थे बिल मंगल का बचा खुचा चित मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा उसके शीर उसके जीवन नाटक का ये तीसरा पट परिवर्तन हुआ इस घटना का वर्णन प्रिया दास जी ने इस प्रकार कविता में किया है खुली गई आंखें अभिलाषे माधुरी को चाखे रस रंग ओ उमंग अंग बीन ले बजाई गाई क्रीडा भयो सुख पुंज जापे कोटि विशोवारिये बीती गई राति प्राता चले आप आप को ही ये वही जाप दिक निरी भरी धारिये सोमगिरी नाम अभी राम गुरु की सके को बखानी लाल भुवन निहारिये रहे सब रस रस सागर मगन भय नये नई चोज किश लोक पड़ी जाइये चले वृंदावन मन कहे अब देखो जाए आए मग माझे एक ठोर मती भीजिए परे यो बड़ो सौर दृक कौर के न चाहे काहू तह सर दिया नहाती देखी आगे रिझिए लगे बाकी पाछे काछी कांच की कीना सुधी कछु गई घर आछी रहे द्वार तन छीजी आयो वाको पति द्वार देखो भागवत ठाडे बड़े भगवत पूछी वधु सो जानिए कही जो पधारो पाव धारो ग्रह पावन को पावन पखारो जल ढारो शीस भाई चले भोन मांझ मन आरती मिटावे को गावे को जोई रीति सोई के बताइए नारी से कहो हे तो सिार करी सेवा कीजिए लीजे यसोहाग जामे बेगी प्रभु पाईये चली ये सिंघार करी थार में प्रसाद लेके ऊंची चित्र सारी जहाँ बैठी अनुरागी है झनक नक जाई जोरी कर ठाडी रही गही मती देखी देखी नून वृत्ति भागी है। कही युग ले लिया लियाई दई लई हाथ फोरी डारी आंखें आहो बड़ी ये अभागी है गई पति पास स्वास भरत न बोली आवे बोली दुख पाए आए पाए, पाए परे रागी है कि अपराध हम साधु को दुखायो आहो बड़े तुम साधु हम नम साधु धरियो है रहो अजु सेवा करो करी तुम सेवा ऐसी जैसी नहीं काहूं माझ मेरो हो है चले सुख पाए दृघ भूत से छुटाए दियो ही, ये ही की आखिन सो अबे काम परयो है बैठे बन मध्य जाई भूखे जानी आप आई भोजन कराई। चलो छाया दिन ढरियो है ग प्रसंग में बिल्व मंगल पर भगवान जी की कृपा परम प्रीतम श्रीकृष्ण के वियोग के दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने चौबीसों घंटे आंसों की झड़ी लगा दी न भोग का पता है न प्यास का न सोने का ज्ञान है न जगने का कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजारता हुआ बिल मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है जिस दीन के लिए जान बुझ करके आंखें फोड़ी जिस प्रीतम को पाने के लिए ऐश आराम को लात मारी वह मिलने में इतना विलंब करे ये भला किसी से कैसे सहन हो पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेम स्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं शास्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं परंतु उस पर दोष आरोपण कदापि नहीं करते उनको अपने प्रेम स्पद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं ऐसे प्रेमी के लिए प्रेम स्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता उसे दौड़कर आना ही पड़ता है आज अंध बिल मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर के जहाँ तहाँ भटक रहा है कहीं गिर पड़ता है कहीं टकरा जाता है अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल मंगल के पास आकर के अपनी मुनि मन मोहनी मधुर वाणी से बोले सो दास जी आपको बड़ी भूख लगी होगी मैं कुछ मिठाई लाया हूं जल भी लाया हूं आप इसे ग्रहण कीजिए बिल मंगल के प्रांत तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे उसके हाथ का दुर्लभ पर शाद पाकर के उसका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा बेल मंगल ने बालक से पूछा भैया तुम्हारा घर कहाँ है तुम्हारा नाम क्या है तुम क्या किया करते हो तब तो बालक ने कहा मेरा घर पास ही है मेरा कोई ख़ास नाम नहीं जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी नाम से बोलता गऊ में चिराता हूँ मुझसे जब प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ बेल मंगल बालक की वीणा विनंदित वाणी सुन करके विमुग्ध हो गया बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर के आपको भोजन कराया करूँगा बेल मंगल ने कहा बड़ी अच्छी बात है तुम रोज आया करो बालक चला गया और बिल मंगल का मन भी साथ लेता गया मन चोर को तो उसका नाम ही ठहरा अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं वही कृपा सिंधु रोज बिल मंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं धन्य हैं भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते बिलमंगल अब तक यह तो नहीं समझ सका कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आँखों में कांटे चुभाए वह बालक यही है परंतु तो उस सब बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असहाय उठा एक दिन बिलमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफते छोड़ करके यहां तक आया यहां ये नई आफत आ गई स्त्री के मुंह से छूटा तो इस बालक ने मुंह में घेर लिया यो सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास सा बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वानी से बोला बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो तो वृंदावन चलोगे वृंदावन का नाम सुनते ही बिल मंगल का हृदय हरा हो गया परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा ये लो मेरी लाठी मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ बिल मंगल का मुख उठा लाठी पकड़ करके भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे धन्य दयालता भक्त की लाठी पकड़ करके मार दिखाते हैं थोड़ी सी दूर जाकर के बालक ने कहा लो वृंदावन आ गया अब मैं चाहता हूं बेलमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया हाथ का स्पर्श होते ही सारे शेर में बिजली सी दौड़ गई सा प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित तो उठे बिल मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं बिल मंगल का शेर रोमांचित हो गया आँखों से प्रेम अश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी भगवान जी का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा अब पहचान लिया है बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु अब नहीं छोड़ने का भगवान ने कहा छोड़ते हो कि नहीं बिल मंगल ने कहा नहीं कभी नहीं त्रिकाल में भी नहीं तब तो भगवान जी ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया भला जिसके बल से बलवंत होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था तो उसने एक ऐसी रज्जू से उसको बांध लिया था कि जिससे छूट करके जाना उसके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी हाथ छुड़ाते ही बिल मंगल ने कहा जाते हो पर स्मरन रखो हस्तमुदी शप्य या तो बलात्कृष्ण कम उदाऊ हिद्यात यदि निर्यासी पौरुषम गी ते हाथ छुड़ाई जात हो निभल जाने के मोहे हृदय ते जब जाहुगे सबल बंद गो तो ही भगवान नहीं जा सके जाते भी कैसे प्रतिज्ञा कर चुके थे ये यथामाम प्रपद्यंतेमस्त भजाम जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं भगवान जी ने बिल मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया उसकी आंखें खुल गई नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान जी को देख करके उनकी भवन मोहनी अनूप और रूप राशि के दर्शन पाकर के बिल मंगल अपने आप की संभाल नहीं सका वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेम आंसुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा इस भाव को श्री प्रिया दास जी इस प्रकार कहते हैं चले ले कहाई कर छाया घन तरु तर चाहत छुड़ायो हाथ छोड़ो कैसे नीको है ज्यो ज्यो बल करे त्यों त्यों तजत न आयू अरे लियोई छुड़ाई गहियो गाड़ो रूप ही को है ऐसे ही करत वृंदावन घन आई लियो पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है भई उत्कंठा भरी आई श्री बिहारी लाल मुरली बजाई के सु जी को है आगे प्रसंग में घ है बिल मंगल और चिंतामणि का सौभाग्य भगवान जी ने उठा करके उसे अपनी छाती से लगा लिया और भक्त और भगवान जी के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई देवता पुष्प वृष्टि करने लगे संत भक्तों के दल नाचने लगे हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए वैश्या चिंतामणि ग्रस्त और उसकी पत्नी भी वहाँ आ गई भक्त के प्रभाव से भगवान जी ने उन सब को अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया इस वृत्तांत को प्रिया दास जी ने अपने दो कवितों में इस प्रकार वर्णन किया है खुली गे नैन ज्यो कमल रवि उदय भे देखी रूप राशि बाड़ी कोटि गुनी प्यास है मुरली मधुर सुर राख्यो मद भरी मनो ढरो आयो कानन में आनन में भास है मानिक प्रताप चिंतामणि मन मांझ भई चिंतामणि जेती आदि बोले रस रास है कर नम्रत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को बिदारी डारे बांधे रस ग्रंथ पंथ जुगल पर काश चिंता चिंतामणि सुनी वन मांझ रूप देखो लाल हुई गई निहाल आई नेह ना तो के उठी बहु मान कियो दियो दूध भात दोना दे पठाए नीत हरि हीतु जन मानिके लियो कैसे जाए तुम्हें भाई सो दियो जो प्रभु लेहो नाथ हाथ सोजो देहे सन मानिके बैठे दो जन को पाय नहीं एक कन रीछे श्याम घन तीनों दूसरो आने के बिल मंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान जी की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पथारे